झुन झुन बाजे घुंगरा। बोल दे हाथों को एक बार फिर बिल्कुल आनंद के साथ। रुन झुन बाजे 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 रुन झुन बाजे घूंगे दोनों हाथों को उठा के। रुन झुन बाजे घूंगरा छम छम बाजे घूंगरा घोड़लियरा बाजे फोड़ जी घोड़लियरा बाजे फोड़ जी लीलरी असवारी आवे बाबारी असवारी आवे आवी रामा पीर जी तो जी तो जी तो जी झुन बाजे घूंगरा छम छम बाजे घूंगरा अर्ज करूं अजी मालरा सादो तनी पुकार जी सादो तनी पुकार जी अर्ज करूं अजी मालरा सादो तनी पुकार जी राम सरोवर आप दो जी राम सरोवर आप दो जी अलख करो उपकार जी हो जी हो जी हो जियो जियो हो जियो ए रुन झुन बाजे घूंगरा छम छम बाजे घूंगरा छम धरारे मारगा एक अलबेलो असीवार जी अलबेलो असीवार जी पिछम धरारे मारगा एक अलबेलो असीवार जी नीलो ही से धरती दूजे करे ज्वार जी हो जी हो जी हो जियो 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 जे हो नीजा धारी लीला थारी सोहे लीले वाली
हसवारी सोनी महिमा है बाबा भारी थम्मा थम्मा गावे नर नारी जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई हेले आवो थे तो भगतारी पीरा ज्योति जगावा थारी बाबा जाओ थारे बलिहारी अब शरणा में आयो थारे जय हो बाबा थारी जय हो। जग घूमिया थार जैसा ना कोई जग घूमिया थार जैसा ना मानते कि आपका हमारा जीवन भगवान की कृपा से चलता है तो जिनके हाथ नीचे वो खुद अवतार है ऐसा लगता है नहीं है सबका जीवन तो उसी की कृपा से चलता है तो मैंने कहा थारी कृपा सो चाले नाव के भैया को थारी कृपा सो चाले नाव के भैया को डोले अगर नैया पार लगावे तो डोले अगर नैया पार लगावे तो क्योंकि युवा लोग सुनना कि ये उनकी पुरानी आदत है हमारी आदत है मानना हमारी आदत क्या है कि भगवान को मानना ये हमारी आदत तो हमारी आदत यदि भगवान को मानना है तो उनकी भी तो कोई आदत होगी हमारी आदत यदि मानना है तो उनकी भी तो कुछ न कुछ तो आदत होगी। मैंने कहा कि जब मौज पे आई वो लहर तो खतरे को समंदर कर डाला कि जब मौज पे आई खतरा किसको बोलते हैं आप जानते हो खतरा यानी क्या होता है ये बूंद जो होती है ना पानी की उसको खतरा बोलते हैं उर्दू में तो उसकी जब मर्जी होती है तो कल कोई बरसात का मौसम नहीं था लेकिन रात भर बरसी उसकी मर्जी थी इसलिए बरसी। हम घाटा रानी में थे बहुत बड़ा कार्यक्रम था पांच राजस्थान के महान कलाकार वहां पर थे लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए वो कार्यक्रम हुआ ही नहीं हमको भी 12 बजे निकलना पड़ा वहां से और एक बार मर्जी हुई कि थोड़ा शुरू किया तो गजानन वंदना में पूरी हुई वैसे भी वापस आ गई तो उसकी आज तो नहीं आई क्योंकि आज भगवान की मर्जी है कि इतना सारा मेला आया है तो उनको भजनों का लाभ मिलना चाहिए ये प्रभु की इच्छा है। मैंने कहा कि जब मौज पे आई वो लहर तो कतरे को समंदर कर डाला मौज पे आई वो लहर तो कतरे को समंदर कर डाला ये तो उनकी रीत पुरानी है ये तो उनकी रीत थोड़ा बोलो ना उनकी रीत ये तो उनकी रीत पुरानी है जिसे खाली देखा भर डाला जिसे खाली देखा भर डाला और इसीलिए रीत पुरानी थारी संसार याद करता भगता रे आते हेले आवे तू थारे जैसा कोई दान नहीं थारे जैसा वरदान नहीं बैठा घट घट मन माही